इस वीडियो में आपको बताऊं कि आप जो है अपना जो ग्रामीण आवास के तहत जो रुपया मिलता है 1,20,000, वो कैसे चेक कर सकते हैं, आपके खाते में जो है पैसा आया है कि नहीं, और आपको कितनी किस्त मिल चुकी है, या अपना लिस्ट आप कैसे देखेंगे, लिस्ट पे अपना नाम कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ क्या करना पड़ेगा। आपको एक वेबसाइट है avast.nic.in, तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा avast। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आवास सॉफ्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। ये थ्री डॉट्स है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आवास सॉफ्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ रिपोर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे एंड में आना है बेनिफिशियरी डिटेल फॉर वेरीफिकेशन, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना, ये मैं कर लेता हूँ फटाफट। ये स्टेट सेलेक्ट हो गया, ये हो गया जी अपना स्टेट, यहाँ पर हो गया अपना पंचायत बलिया वगैरह सब। ये मैंने ईयर डाल दिया किसी का देखना है, और ये योजना डाल दिया ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, इसको मैंने ये कैप्चा फिल कर दिया। तो कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो आएगा जिसका जिसका नाम होगा इस लिस्ट में, आपने नाम चेक कर लेना है सभी का। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है आपके पास, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहीं पर आपके जो है स्क्रॉल करने के बाद आपको एक बेनिफिशियरी नंबर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए बेनिफिशियरी नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए। आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, ये कॉपी कर लेना। कॉपी कर लेते हैं हम, कॉपी करने के बाद आपको जो है क्या करना पड़ेगा, नीचे आना है, यहाँ पर स्टेक होल्डर पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर स्टेक होल्डर थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास स्टेक होल्डर आ रहा है, ये देखिए स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे PMAYG इस पर क्लिक करेंगे बेनिफिशियरी, यहाँ पे जो कॉपी किया पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। यहाँ पे पूरा डिटेल दिखा देगा कि आपका जो है पैसा कितनी तारीख को आया है और किस अकाउंट में आया है, कौन सा खाते में आया है। यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल आपका जो वेरीफाई हुआ है, यहाँ पर देखिए ये वाला था, लेकिन कभी कभार कैसे ये होता है कि आपके दो तीन बैंक होते हैं, मतलब दो तीन अकाउंट होते हैं, तो उसमें पैसा किसी में भी चला जाता है। तो ऐसा ही हुआ, देखिए यहाँ पे यूको बैंक का ये बैंक है, लेकिन पैसा जो है यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ ये गया है किसी दूसरे अकाउंट में। तो यहाँ पे देखिए ये जो पैसा है किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। देखिए ये है पेमेंट, ये है अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर ये तो ये है आपका, यहाँ से देख सकते हैं किस अकाउंट नंबर में गया है, DBT आधार बेस्ड, और ये 17 तारीख को पेमेंट हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा, यहाँ पर फ़ोटो भी आ जाएगा आपका, देखिए इस तरह से जो आपने फ़ोटो खिंचाया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इस तरह से जो है आपने पूरा डिटेल निकालना है, ये पूरा ओपन है वेबसाइट पे, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया, थैंक यू सो मच।